हे गाइस, मौश्री हियर एंड वेलकम टू माय लिटिल वर्ल्ड। आज की जो रेसिपीज है, बहुत सारे रेसिपी मैंने बनाया है नवरात्रि और दुर्गा पूजा को ध्यान में रखते हुए। ये सारी रेसिपीज में मैंने अनियन और गार्लिक बिल्कुल भी नहीं यूज किया, तो पूजा के टाइम आप ये सारी रेसिपी घर में बना सकते हैं और बहुत इजी सा बनता है। जो फर्स्ट रेसिपी है वो है चना दाल की रेसिपी। चना दाल की ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा फेमस है बंगालीज में, तो इसके लिए मैंने कढ़ाई पे ले लिया है ग्रीन कार्डमम और ऑयल डाल दिया मैंने इसमें, और तड़के में मैंने डाल दिया है जीरा, और थोड़ा सा सारी चीज़ें गर्म हो जाए फिर मैं इसमें डाल दूँगी कटे हुए कोकोनट। तो कोकोनट को अच्छे से फ्राई कर लेना है, थोड़ा सा ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है। अभी मैं इसमें डाल दूँगी भीगे हुए काजू और किशमिश। थोड़ी सी स्वीट सी होती है दाल की टेस्ट, तो इसमें काजू और किशमिश आप ऐड कर सकते हैं, और इसमें मैं बाद में शुगर भी ऐड करूंगी। और मैंने अभी इसमें डाल दिया है ग्रीन चिलीज और एक ड्राई रेड चिली, जैसे कि मैंने बताया था। मैं इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड कर रही हूँ अभी, और मैं इसमें अभी ऐड करूंगी थोड़ी सी टर्मरिक पाउडर, क्योंकि दाल बॉयल के टाइम पे मैंने टर्मरिक पाउडर नहीं ऐड किया था, इसलिए अभी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे दाल को मैंने थोड़ा सा नमक देके बॉयल कर लिया है, और दाल को मैं अभी ये तड़के में मैं ऐड कर दूंगी, और थोड़ी देर इसको मैं बॉयल होने के लिए छोड़ दूंगी। तो हो गया मेरा चना दाल इज एब्सोल्युटली रेडी टू हैव। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रेसिपी, जो है कढ़ाई पनीर। लेकिन इसमें मैंने अनियन यूज नहीं किया है, और विदाउट अनियन भी इसका टेस्ट काफी अच्छा आता है। तो सबसे पहले कढ़ाई मसाले के लिए मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ किया है। मैंने लिया है 1 टेबलस्पून कोरिएंडर सीड, 1 टेबलस्पून क्यूमिन सीड लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने ब्लैक पेपर कॉर्न लिया, यहाँ पे है 2 ड्राई रेड चिली, और मैंने लिया है 3-4 यहाँ पे लिया है मैंने क्लोव्स और ग्रीन कार्डमम, और 1 लिया है मैंने ब्लैक कार्डमम, और थोड़ा सा मैंने लिया है सिनेमन स्टिक, और थोड़ी सी मैंने लिया है जावित्री, इसको बोलते हैं मेस, थोड़ा सा है, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ले सकते हैं नहीं तो नहीं। और ये सारी चीज़ों को मैं थोड़ी सी ड्राई रोस्ट कर लूँगी। तो एक कढ़ाई में मैंने सारी चीज़ों को ले लिया है और इसको फ्राई कर लिया। थोड़ी सी देर मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। अभी सेम कढ़ाई में ही मैं ऑयल डाल के जो सारे पनीर है, पनीर को मैंने क्यूब से कट कर लिया है, उसको फ्राई कर लूंगी। तो ये पनीर का फ्राई एक साइड पे हो गया है, तो मैं इसको टर्न करके दूसरे साइड से भी सारे तरफ से इसको फ्राई कर लेना है अच्छे से। और यहाँ पे है टोमेटो, 2 ग्रीन चिलीज और थोड़ी सी जिंजर, जिसका मैं एक पेस्ट बना लूंगी मिक्सर ग्राइंडर में। और यहाँ पे पनीर फ्राई हो चुका है, और सेम कढ़ाई पे मैं थोड़ी सी और ऑयल इसमें ऐड करूंगी, ज्यादा नहीं, और इसमें सेम जीरे का तड़का डालूंगी मैं, और जो मैंने टोमेटो ग्रीन चिली और जो जिंजर का पेस्ट बनाया था वो मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, और इसमें मैं थोड़ी सी सॉल्ट, थोड़ी सी टर्मरिक पाउडर ऐड करूंगी, और सारे मसाले मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी, जैसे कि क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, और इसको बहुत अच्छे से अभी फ्राई कर लेना है जब तक कि पानी एकदम से ड्राई होकर मसाला अच्छे से फ्राई ना हो जाए। यहाँ पे मैंने कुछ कैप्सिकम को ऐसे कट करके रख दिया है, तो मसाला थोड़ा बहुत फ्राई हो चुका है आप देख सकते हैं। अभी इसमें मैं ऐड कर दूंगी कैप्सिकम, और भी फ्राई करना है तो कैप्सिकम भी अच्छे से पक जाए। तो ये पक गया है, मसाले भी रेडी हो चुके हैं, जैसे आप देख सकते हैं ऑयल निकल रहा है मसाले से, और ये कैप्सिकम भी पूरा पक चुका है। अभी मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी, कितना ग्रेवी चाहिए उसकी कंसिस्टेंसी के हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतना ही।
अभी ये ग्रेवी जैसे बन चुका है कम्प्लीटली, तो इसमें मैं जो फ्राइड पनीर था वो मैं ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं उबाल आ गया है, तो मैंने जो ड्राई मसाले का रोस्ट बना के रखा, पाउडर बना के रखा था, वो मैं ऐड कर दूंगी लास्ट में। और यहाँ पे कसूरी मेथी, मुझे कसूरी मेथी कोई भी वेज चीज़ों में बहुत अच्छा लगता है, तो मैं पनीर जब भी बनाती हूँ या फिर कोई भी वेज आइटम तो उसमें मैं कसूरी मेथी डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी को ले लिया है। एक बार ये सब्ज़ी पक जाए उसके बाद मैं ऐड करूँगी एकदम लास्ट में, अभी नहीं, तो थोड़ा और बॉयल होने के लिए मैं वेट करूँगी 5-10 मिनट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये बन गया है, इसमें मैं सिर्फ कसूरी मेथी डाल दूंगी बस, तो फिर हो जाएगा। ये डाल दिया कसूरी मेथी और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और यहाँ पे हो गई है मेरी पनीर की सब्जी तैयार। तो चलिए लेट्स मूव टू द लास्ट रेसिपी, जो है एक बंगालीज की एब्सोल्यूट फेवरेट रेसिपी, आलू की आलू चोखा बोलते हैं हम इसको। ये एक आलू की रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिया है प्रेशर कुकर में ऑयल और उसमें मैं कलौंजी डाल दिया तड़के के लिए, और मैंने यहाँ पे टमाटर और ग्रीन चिली डाल दिया है, और यहाँ पे है पोटैटोस, और इसमें मैं ऐड करूँगी सिर्फ नमक और टर्मरिक पाउडर और कुछ नहीं, बस इतना सा ही चीज़ें इस पर यूज़ होते हैं। और इसको मैं अभी पानी डाल के प्रेशर कुकर कर दूंगी, बस हो जाएगा ये सब्जी रेडी। बहुत ही आसान सा है, बहुत जल्दी बन जाते हैं, और लुची पूरी जो हम लोग खाते हैं और पराठा इसके साथ ये एकदम बहुत अच्छे से बन जाते हैं। और ये बन गया है, और बनने के बाद इसको मैं थोड़ा सा मैश कर रही हूँ ताकि ग्रेवी का जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ा सा थिक हो जाए, और थोड़ी देर मैं इसको बॉयल होने के लिए छोड़ दूंगी। और यहाँ पे हो गए हैं मेरी आलू की सब्जी रेडी। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।